कहने से सर दस कर घर से बाहर निकले और उन्होंने भगवान की कब चोरी कर ली। बाद में उन्हें जब मालूम पड़ा अरे मैंने तो भगवान के यहाँ चोरी कर ली, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो उसने भगवान से क्षमा मांगी। परकाल लीला मंचन के बीच पुष्कर के 175 वर्ष पुराने रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर में चोरों ने बोला धावा। भारी भीड़ के बीच आधा दर्जन चोर भगवान के लाखों रुपए के जेवरात लेकर हुए फरार। तीर्थ नगरी पुष्कर के 175 वर्ष पुराने रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर में मंगलवार रात तकरीबन 11 बजे आधा दर्जन चोरों ने धावा बोल दिया और भारी भीड़ के बीच चोर भगवान के लाखों रुपए के स्वर्ण आभूषण और जेवरात लेकर फरार हो गए। चौंकिए मत, यह घटना असल नहीं बल्कि मंदिर में चल रही 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के तहत मंचन की जा रही परकाल लीला का एक दृश्य था, जहां पर भगवान रंगनाथ वेणुगोपाल घोड़े पर सवार होकर गाजेबाजों के साथ नगर भ्रमण पर निकले थे। भगवान के स्वागत में कस्बे भर में श्रद्धालुओं ने रंगोली सजाकर भगवान का स्वागत किया। इस दौरान सवारी के रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर पहुंचने पर कस्बे के बच्चों ने परकाल स्वामी का वेश धारण कर चोरी की लीला का मंचन किया, जिनका लीला के पश्चात तो बहुमान किया गया। परकाल लीला के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई, जिसे देखने कस्बे भर के श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। सवारी के मंदिर पहुंचने पर विशेष प्रसाद का वितरण भी किया गया। दरअसल दक्षिण भारत के रामानुज संप्रदाय से जुड़ी कथाओं के अनुसार तिरुमंगाय आलवर भगवान नारायण के पंचायुद्ध में सारंग धनुष के अंश अवतार थे। कथा के अनुसार तिरुमंगाय आलवर एक राजा थे। उनका धन कोष पूरी तरह से खाली हो जाने पर वे अपने राज्य की सीमा के भीतर से गुजरने वाले संपन्न लोगों को लूटा करते थे। एक दिन स्वयं भगवान रंगनाथ और माता लक्ष्मी नवविवाहित जोड़े के स्वरूप में स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर वन से निकल रहे होते हैं, तभी तिरुमंगाय आलवर अपने साथियों के साथ धावा बोलकर भगवान के गहने चुरा लेते हैं। तब भगवान उन्हें अपना चमत्कार दिखाते हुए अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा देते हैं। तब से तिरुमंगाय आलवर को परकाल स्वामी कहा जाता है और समस्त रामानुज संप्रदाय और वैष्णव मंदिरों में ब्रह्मोत्सव के दौरान परकाल लीला का मंचन किया जाता है। जैसा कि हमने सुना है, ये आज जो लीला होती है इस ब्रह्मोत्सव के घोड़े की सवारी के दिन, आज जो लीला होती है इसका नाम होता है परकाल लीला। एक स्वामी जी थे जिनका नाम था प्रकाश स्वामी, तो वह अपनी ऐसा सुना है छोटी मोटी चोरियाँ करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए और गहने से सर धस कर घर से बाहर निकले और उन्होंने भगवान की घर चोरी कर ली। बाद में उन्हें जब मालूम पड़ा अरे मैंने तो भगवान के यहाँ चोरी कर ली, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो उसने भगवान से क्षमा मांगी। फिर भगवान उसे क्षमा दान देते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं और उनके अपना पार्षद उनको बनाते हैं। और दूसरे दिन फिर इसके आगे की लीला होगी। पीछे से वह जो भगवान की पत्नियाँ रहती हैं देवियाँ, वह डर जाती है। भगवान भी अलग अलग रूप धर करके उनके पास जाते हैं और भगवान का एक एक वस्त्र खोला जाता है। फिर आखिर में भगवान अपने असली स्वरूप में आते हैं और फिर रानियाँ और भगवान गेंद खेल करके फिर जल विहार के लिए जाते हैं। तो ऐसी ही लीला है, ये प्रकाश स्वामी की लीला ऐसे कहते हैं। बाद में भगवान के आलवारों में मतलब उनके पार्षदों में इनका भी नाम शामिल हो गया।